मिशन 2023 के मद्देनजर कांग्रेस अपना वचन पत्र बनाने में जुटी है। ऐसे में कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने वचन पत्र को गीता बाइबल और कुरान की तरह बताया है। वही अब इस पर सियासत का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से गोविंद मालू और कांग्रेस से संतोष सह गौतम। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, शोभा ओझा जी ने जो कहा है कि कांग्रेस हमारे लिए धर्म ग्रंथ है, ये बात बिल्कुल सत्य है। कमलनाथ जी ने जब पिछला घोषणा पत्र हमारा जो वचन पत्र था उसे जब जारी किया था तो उसके एक एक वचन को निभाने के लिए पूरी शिद्दत से वो जुटे थे। चाहे वो किसान कर्ज माफी हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे जो भी वचन उन्होंने दिए थे, और 365 दिन में उन्होंने 365 वचनों को पूरा करके यह सिद्ध कर दिया था कि कांग्रेस के लिए वचन केवल कागज का पुलिंदा नहीं है, वो वचन उनके लिए मायने रखता है और जनता के हितों के लिए कांग्रेस जो कर सकती है वो करेगी। मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है मोहतरमा का कथन। वो कभी गीता बाइबल कुरान जैसा अगर मानते वचन पत्र को या संकल्प पत्र को या मैनिफेस्टो को, तो कांग्रेस आज हमेशा राज कर रही होती। पहले तो एक रस्म अदायगी थी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो, ये तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए कि जिसने घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो की उपादेयता, उसकी उल्लेखनीयता और उसका महत्ता उसको प्रतिपादित भी किया और उसको जनता के बीच में इस बात के लिए उनको तैयार किया कि ये वचन पत्र जो है वो गीता है, वो कुरान है, वो बाइबल है, वो हमारा धर्म ग्रंथ के रूप में हम उसको जब हम वादे करते हैं तो पूरा करने के लिए ये वचन पत्र या तथाकथित ये मैनिफेस्टो वो बनाते हैं, इसलिए कि उसको तोड़ना है, वचन को भंग करना है। इन्होंने कौन से वचन पूरे किए ये बता दें, एक एक बिंदु पर इन्होंने कौन सा काम किया, हम उनको बता देंगे कि 15 महीने की सरकार में। अब ये कहते हैं हम तो 5 साल के लिए आए थे, हम कहाँ से पूरे करते। हमारे पुराने संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी के, उनके उठा के ये उसके उसका पूरा स्क्रीनिंग करवा लें तो इनको पता लग जाएगा कि हमने कितने वादे किए और कितने पूरे किए। तो हमारे लिए है वो गीता, इनके लिए कभी गीता नहीं रही, न कुरान रहा, न इनको तो वो झूठ का पुलिंदा रहा है।